हे गाइस, चंदा दी रसोई 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेफ्ट ओवर पुलाव से मसालेदार खिचड़ी, हुई हेल्दी खिचड़ी बना रही हूँ। हमारे बिहार में कहते हैं खिचड़ी के चार यार, दही, पापड़, घी, अचार। तो सारा कुछ हमारे यहाँ थाली में, और ये मैं लंच की थाली भी इसी से तैयार करूँगी। तो चलिए बनाते हैं लेफ्ट ओवर पुलाव से मसालेदार खिचड़ी। इधर हमारा ब्लांच हो रहा है, मैं गोभी भी डालूंगी। बहुत अच्छा खिचड़ी बनाऊंगी, एकदम डिफरेंट टाइप में। देखिए, इधर मैं तेल डाल दी हूँ, सरसों तेल डाली हूँ, और थोड़ी सी मैं इसमें हींग डाल देती हूँ, और एक तेज पत्ता, लाल मिर्च और जीरा का तड़का मार देती हूँ। को मैं काट के नहीं बना रही हूँ इसे, मैं ये देखिए अपने खलबट्टे में इसका जो मुंह है थूर दे रही हूँ। बहुत टेस्टी बनता है, आप मेरे अनुसार बना के जरूर ट्राई करेंगे। ये देखिए, सारे आलू को मैं कट कर दी हूँ, टमाटर ली हूँ, प्याज ली हूँ, मटर ली हूँ, ये दाल सोख की हुई है, और ये लेफ्ट ओवर पुलाव से मैं बना रही हूँ। प्याज, एक आलू, मटर, टमाटर, सारा वन पॉट मेरा ये मील आज तैयार हुआ है। बिगनर सभी बना सकते हैं। और गोभी को भी मैं इसमें डाल देती हूँ, ब्लांच किए हुए गोभी को, और भून देती हूँ। हाफ टीस्पून मिर्ची, धनिया पाउडर थोड़ी सी, थोड़ी नमक और गरम मसाला पाउडर डाल के, और इसमें मैं ये देखिए एक कप पुलाव है, ये दुबर राइस की पुलाव मैं बनाई थी, तो थोड़ा बच गया था, तो मैं सोची चलो आज सैटरडे स्पेशल खिचड़ी बन जाएगी। और इसमें मैं दाल डाल दी हूँ, फुली हुई एक कटोरी दाल डाल दी है, और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट सबको डाल के मैं अच्छे से भून देती हूँ। ये आज हमारे किचन में सैटरडे स्पेशल वन फिट मॉल मील तैयार हो रही है, और पानी डाल देती हूँ मैं आने तक पकने देती हूँ, क्योंकि खिचड़ी येलो होनी चाहिए। और थोड़ी सी मैं मिर्चा इसमें और डाल देती हूँ, और इसे दो प्रेशर लगने देती हूँ। चटनी बना रही हूँ, तो धनिया ली हूँ, एक बंच धनिया ली हूँ, इसमें एक हरी मिर्च डाली हूँ, हाफ टमाटर डाली हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ, नमक डाली हूँ, और थोड़ी सी मैं इसमें एक नंबर सेव डाल के मैं एक चटनी बना लेती हूँ। आलू का देखिए, आलू को मैं उबाल दी हूँ, और इसमें प्याज बहीन कटी हुई, थोड़ी सी मैं इसमें एक हरी मिर्च और धनिया पत्ता, काचा सरसों का तेल, क्योंकि नए वाले आलू का भून के भरता जो बनता है चोखा वो अच्छा नहीं बनता है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और सारे को मैं मिक्स करके, ये भरता भी हमारा तैयार हो गया, सारे को मैं मिक्स कर दी हूँ, तो हमारा चोखा भी तैयार है, और ये हमारी चटनी भी देखिए पिस चुकी है खिचड़ी का। अब हमारा राइस पक रहा है खिचड़ी। तो गाइस ये देखिए, मैं लिड खोल दी हूँ, वो देखिए कितनी अच्छी बनी है, वाह, और खुशबू बहुत अच्छी। लेफ्ट ओवर पुलाव से मैं बनाई, मैं कल बनाई थी पुलाव तो बच गया था बहुत सारा, तो मैं फ्रिज में इसे अच्छे से रख ली थी, कल मैं इसी से पुलाव बनाऊंगी, क्योंकि सैटरडे स्पेशल तो हमारे यहाँ खिचड़ी ज़रूर बनती है बिहार में। तो आज आपको सैटरडे स्पेशल मैं मील दिखाई हूँ, वन पॉट मील, और खिचड़ी के चार यार, दही, पापड़, घी, अचार, तो सारा कुछ मैं बनाई हूँ। और अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ, क्योंकि छौंकने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो जीरा वीरा सारा कुछ डाल दी हूँ, अब मैं इसे ऑफ कर देती हूँ। गाइस ये देखिए, इसमें काजू वगैरह भी निकल रहा है, क्योंकि मैं पुलाव में काजू भी डाली थी, वो कितनी अच्छी बनी है आप देख सकते हैं। लेफ्ट ओवर को कैसे यूज करें, राइस हो, रोटी हो, सारे को मैं यूज करती हूँ अपने रेसिपी में। देखिए कोई गला भी नहीं है ज़्यादा, और सारा पक चुका है, तो खिचड़ी भी मैं निकाल दी हूँ, और ऊपर से मैं इसमें ये घी डाल देती हूँ। ये देखिए कड़कड़ाई हूँ मैं इसे अच्छे से, एकदम की भी रेसिपी दे दी इसमें। चटनी कैसे मैं बनाती हूँ देखिए, कितनी मस्त चटनी बनी है, तो सारे चटनी को मैं इसमें रख दी हूँ। पापड़ भी मैं, ये देखिए पापड़ को सेक दी हूँ अभी,
माइक्रो कर दी हूँ। पापड़ मैं जल्दी तलती नहीं हूँ तो पापड़ रख दी हूँ। और ये दही है, इसमें मैं थोड़ा जीरा डाल देती हूँ। और ये चोखा भी बनाई आपके सामने। और ये हमारी मस्त खिचड़ी बन के तैयार है, मसालेदार वन पॉट खिचड़ी मैं आज बनाई हूँ अपने बिगनर्स, अपने बैचलर के लिए। और आप ऐसे बचे हुए पुलाव से बना के देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छी बनती है। और आपका बचा हुआ सामान भी इधर उधर नहीं होता है, वेस्ट नहीं होता है, आप उसे यूज कर लेती हैं। और खिचड़ी तो हमारे पेट के लिए अति उत्तम है, इसीलिए लोग सैटरडे खिचड़ी बनी, शुरू से हमारे यहाँ सैटरडे लोग खिचड़ी खाते हैं। सब साइंटिफिक रीजन होता है खाने का फ्रेंड। तो डेली तो आदमी नॉनवेज खाता नहीं है, तो आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए लेफ्ट ओवर पुलाव से मसालेदार विथ लॉट्स ऑफ वेजेस से बनाई हूँ। तो अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल चंदा दी रसोई 24। दुआओं में याद रखिएगा। और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तो ये आज हमारा ब्लॉग था, खिचड़ी स्पेशल ब्लॉग। तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरह मैं हेल्दी हेल्दी रेसिपी लेके आपके सामने आते रहूँगी। बाय।